हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि आर्या। आज मैं आपको कैपेचिनो कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी कि हाउ टू मेक कैपेचिनो कॉफ़ी एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, और वो भी किसी मशीन से नहीं, सिर्फ इस विस्क से। सो हम शुरू करते हैं। मैंने कॉफ़ी ली है और ये 10 रुपये का पैकेट है ब्रू कॉफ़ी का, वो मैंने इसमें डाला है। आप कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हो, चाहे नेस्कैफे हो या कोई सी भी। और मैंने 3 चम्मच चीनी ली है, स्वाद अनुसार आप ले सकते हो। और 1 कप में पानी डाला है। और ये जो कॉफ़ी है ये ऑलमोस्ट 2 चम्मच है, इसीलिए अब इस बर्तन में हम कॉफ़ी डालेंगे। ये जो कॉफ़ी है ये पूरी डाल दूंगी, कोई क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 2 चम्मच कॉफ़ी है, तो इसको मैं इस बाउल में डाल दूंगी। कॉफ़ी डालने के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे, जो चीनी हमने रख रखी है हम इसमें वो चीनी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम वाटर डालेंगे, और एकदम से आपको पूरा पानी नहीं डाल देना है। जैसे कि पहले 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच डाला, फिर दूसरी चम्मच ली, फिर एक और डाला। तो अभी तो मैंने 2 चम्मच डालकर, अब मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ। और वाटर चाहिए, और पानी चाहिए, तो इसके लिए हम और पानी डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 3 चम्मच पानी डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और एक थिक पेस्ट बनाऊंगी। तभी गाइस, विस्क से इसको फीटना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको एकदम गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए इसका। पहले क्रीम कलर आएगा, फिर उसके बाद लाइट कलर आएगा, तो टाइम लगेगा काफ़ी। बट आपको, आप थक भी सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना, या आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप उससे भी कर सकते हो। इसको आपको 15 मिनट तक फेंकना है जब तक क्रीम कलर ना आए, तो इसीलिए 15 मिनट। ओके सो गाइस, आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर कैसा आया, एकदम स्मूथ हो गया है। देखिए एकदम क्रीमी जैसा टेक्सचर आया है, वही टेक्सचर आपको चाहिए। और एकदम से क्रीम कलर तो नहीं आएगा, लेकिन डार्क ब्राउन से हमने शुरुआत करी थी और अब ये लाइट ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आपके हाथ जरूर थक सकते हैं, क्योंकि आपको 15-20 मिनट तक आपको इसको मिक्स करना होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स करा है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बीटर है वो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपके पास विस्क है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो 15-20 मिनट तक आप फेटो इसको, तब जाकर ऐसा टेक्सचर आएगा, एकदम स्मूथ होगा। फिर उसमें थोड़ा सा पानी और डालना है, फिर आपको ये एकदम कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है इसका, आप देख सकते हो। मैंने दूध जो है उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ये दूध है, इसको मैंने गैस में थोड़ी सी मतलब बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध गर्म होगा, दूध गर्म होते ही हम उसे इस कप में डालेंगे, और इस कप में हम दूध के संग ही डालेंगे। सो देखते हैं, हमारा दूध जो है वो बॉइल्ड हो चुका है, अब इसको हम अपने कप में डालेंगे। जैसे ये है, बहुत गर्म है वो अभी। हमने एक कप में डाल दिया है दूध,